हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एडियो इंग्लिश में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई के फर्स्ट 5 बुक में से चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि टर्म 1 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके ऑथर हैं नेल्सन मंडेला, जिनका नाम आपने जरूर सुना ही होगा। ऑथर के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ, 18 जुलाई 1984 को। ही वॉज द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। ये साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे अश्वेत राष्ट्रपति थे जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए। साउथ अफ्रीका के पहले क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक चुनावों में, लोकतांत्रिक चुनावों में नेल्सन मंडेला जीत कर आए। इन 1944, 1944 में ही ज्वाइन द यूथ लीग ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की यूथ लीग को ज्वाइन किया। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उस समय साउथ अफ्रीका में व्हाइट रूल चलता था, जो व्हाइट पीपल थे उनका रूल चलता था, और जो अश्वेत लोग थे यानी जो ब्लैक थे, उन लोगों को एक लाइफ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दी गई थी जीने के लिए। उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी, उनके साथ अत्याचार होता था, उनका शोषण होता था। तो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, एक पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इस प्रोटेस्ट के चलते ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। उनको 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई इसी के अगेंस्ट। रिलीज्ड ऑन 11 फेब 1990, 11 फरवरी 1990 को वो जेल से रिहा होकर आए एंड बिकेम द हेड ऑफ ANC, और फिर इसी के साथ ही वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेड भी बन गए। अलोंग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला अपनी कुछ मेमोरीज को शेयर करते हैं, कुछ पॉइंट्स को बताते हैं, जिसमें सबसे पहले मंडेला शेयर्स हिज मेमोरी ऑफ द ओथ टेकिंग सेरेमनी। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दिन की याद को वो शेयर करते हुए कहते हैं, ये दिन था 10 मई 1994, 10 मई 1994 का। ही वॉज सराउंडेड बाय वर्ल्ड लीडर्स, उनके आसपास विश्व नेता थे जो कि उस पल का विटनेस बनने के लिए आए थे जब पहली बार साउथ अफ्रीकन सॉइल पर एक फेयरली एंड फ्रीली इलेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा था, इंस्टॉलमेंट होने जा रहा था। उनके साथ उनकी बेटी थी जिनका नाम था जेनानी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये सेरेमनी जो थी सैंडस्टोन से बने हुए खूबसूरत एम्पी थिएटर में हुई थी। एम्पी थिएटर जो होता है, एक सर्कुलर बिल्डिंग होती है जिस पर रूफ नहीं होती। इसको फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया नाम के शहर में। द सेरेमनी, अब नेल्सन मंडेला बात करते हैं उस सेरेमनी की। इस सेरेमनी में मंडेला प्लेस्ड इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस सेरेमनी में मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और मिस्टर डी क्लर्क वॉज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो दूसरे उपराष्ट्रपति बने। मिस्टर थाबो बेकी वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर थाबो बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। अब इसके बाद आती है मंडेला स्पीच। इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट मैं कहूंगा नोट है ये स्पीच, जिसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। मंडेला की स्पीच में ही थैंक्ड ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, उन्होंने सबसे पहले दुनिया के नेताओं को धन्यवाद कहा जो कि उनको देखने के लिए वहां आए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरी दुनिया भर में जो लोग टेलीविजन और रेडियो पर उनको देख और सुन रहे थे, उन लोगों को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये इवेंट जो था वो वर्ल्ड मीडिया के द्वारा कवर किया गया था। ही कॉल्ड इट अ कॉमन विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने इस अचीवमेंट को, साउथ अफ्रीका में पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को
इन्होंने कॉमन विक्ट्री का नाम दिया। ये कॉमन विक्ट्री थी, समान जीत थी, शांति की, न्याय की और मानवीय गरिमा की। He named the oppression of the black as an extraordinary human disaster. उन्होंने जो गोरे लोग थे उनके द्वारा काले लोगों का, अश्वेत लोगों का जो शोषण था उसको उन्होंने नाम दिया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का, एक असाधारण मानवीय आपदा का, क्योंकि उस समय घोर अत्याचार बहुत ज्यादा ही निर्दयी व्यवहार होता था अश्वेत लोगों के साथ में। He pledged, इसी वजह से he pledged to liberate his people from poverty, suffering and deprivation. उन्होंने शपथ ली कि वो अपने देशवासियों को गरीबी से, पीड़ाओं से और अभावों से मुक्ति दिलाकर रहेंगे और अपना पूरा जीवन अपने देशवासियों की भलाई में ही लगा देंगे। He announced, और उसी मंच से उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, that there will be no discrimination. अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पर, क्रीड यानी पंथ के बेस पर, एंड कलर ऑफ स्किन यानी जो स्किन कलर था उसके बेसिस पर, किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मंडेला याद करते हैं उसी सेरेमनी के एक और पल को, जो कि था क्या कहते हैं, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू मंडेला। मंडेला के लिए मिलिट्री उस समय जितनी लॉयल हो रही थी उस चीज को याद करते हैं वो। उसमें सबसे पहले वो कहते हैं, देयर वाज अ डिस्प्ले ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। आकाश में साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स का एक शानदार डिस्प्ले था जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। हाईएस्ट जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला। मिलिट्री और पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, अपनी लॉयल्टी को प्लेज किया। मंडेला एक बात नहीं भूले थे, दे हैड अरेस्टेड हिम अ फ्यू ईयर्स अगो। मंडेला ये बात नहीं भूले थे कि यही वो लोग थे जिन्होंने कुछ ही साल पहले उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब समय बदल चुका था तो आज वो लोग उनको सैल्यूट कर रहे थे। न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग वॉज ड्रॉन इन द स्काई विथ स्मोक ट्रेल। साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था उसको स्मोक ट्रेल से जेट्स के द्वारा आकाश में ड्रॉ किया गया था, उन सभी कलर्स को। जैसे कि हमारे यहाँ 15 अगस्त को लाल किले पर स्मोक ट्रेल से तिरंगा बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब मंडेला आगे इसी कड़ी में बोलते हैं कि हर इंसान के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ मैन, इंसान की दोहरी जिम्मेदारी। Everyone has twin obligation. हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारी होती है towards his family. उसकी पहली जिम्मेदारी उसके परिवार के लिए होती है, उसके माता पिता, भाई बहन, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए, एंड towards his country, और उसके देश के लिए, उसके देशवासियों के लिए। ये दो जिम्मेदारियां हर एक इंसान पर होती हैं। अंडर द वाइट रूल, पर जो वाइट रूल चल रहा था, जो गोरे लोगों का शासन चल रहा था, इसमें इन साउथ अफ्रीका वन कुड फुलफिल ईदर ऑफ द ऑब्लिगेशंस। कोई भी इनमें से कोई एक ही जिम्मेदारी निभा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो देश के साथ साथ परिवार को भी चलाए और परिवार के साथ साथ देश को भी चला ले, या तो वो देश को चुने या फिर परिवार को। इफ वन चूजेस टू सर्व हिज कंट्री, और अगर कोई अपने देश को चुनता, देश सेवा को चुनता, ही वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, तो उसको एक अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। दोस्तों, उन लोगों को जो अपने देश सेवा के लिए आगे आते थे या फिर वाइट रूल के खिलाफ आवाज उठाते थे, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, तरह तरह के टॉर्चर्स दिए जाते थे, उनके परिवार से उनको अलग कर दिया जाता था, तो वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मंडेला डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। यानी मंडेला जब एक बच्चे थे तब से लेकर जब वो राष्ट्रपति बने तब तक, इस लंबे समय के दौरान, इस लाइफ जर्नी के दौरान, उनके लिए फ्रीडम का बदलता हुआ अर्थ क्या था। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, मंडेला थॉट दैट ही वाज फ्री। मंडेला का मानना था कि वो स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता बहुत लिमिटेड थी। कुछ ही चीजें थी जिनकी स्वतंत्रता उनको चाहिए थी। पहली चीज थी उनके गांव से गुजरने वाली उस नदी में तैरना, उनको अच्छा लगता था, कोई रोकता नहीं था, स्वतंत्र थे। दूसरी थी आकाश के नीचे खाना पकाना, खुले आकाश के नीचे बैठकर, कोई दिक्कत नहीं थी, स्वतंत्र थे। तीसरी चीज थी बैल की पीठ पर बैठकर घूमना, कोई दिक्कत नहीं थी।
अपने कबीले के कानूनों को मानना, अपने पापा की बात को मानना, दैट वॉज फ्रीडम फॉर हिम एंड इट वॉज ऑल टिल ही वॉज अ चाइल्ड एज अ स्टूडेंट. पर जब वो एक विद्यार्थी बने, फ्रीडम मेंट टू स्टडी व्हाट ही लाइक्ड. अब उनके लिए फ्रीडम का मतलब था जो चाहे वो पढ़ सकें एंड स्टे आउट एट नाइट, और बाहर घूम सके रात को. जैसा कि आपको भी पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना रात में, आपको कोई रोके टोके नहीं. तो ये चीज जो थी मंडेला के लिए फ्रीडम बन गई एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग मैन. पर अब जब वो युवा हुए, उम्र बढ़ी, ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ ओनली. अब उनको केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहिए थी. स्वतंत्रता थी टू वर्क, काम करने की, टू गेट मैरिड, शादी करने की, एंड टू हैव अ फैमिली, और एक परिवार होने की अपनी मर्जी से. ये स्वतंत्रता चाहिए थी. बट वेन ही ज्वाइन द ANC, पर जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एवरीथिंग चेंज्ड. अब सब कुछ बदल गया. अब जो इंडिविजुअल फ्रीडम थी, जो हंगर फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम थी, वो हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज ओन पीपल बन गई. यानी जब उन्होंने देखा कि उनके जैसे दिखने वाले और भी लोग हैं जो बहुत ही खराब लाइफ जी रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं, परेशान हैं, जिनके पास कोई बेसिक राइट्स नहीं है, सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो अब वो जो थे दूसरों के लिए सोचने लगे. अब उनका जो इंडिविजुअल फ्रीडम था वो खत्म हो चुका था, वो सोच खत्म हो चुकी थी, वो इल्यूजन खत्म हो चुका था. अब वो अपने अपनों के बारे में सोचने लगे. अब इसी जर्नी में आगे चलते हुए, फ्रीडम स्ट्रगल में आगे चलते हुए, मंडेला ने मीनिंग ऑफ करेज सीखा. यानी साहस का मतलब क्या है. मंडेला खुद कहते हैं इस चैप्टर में कि मंडेला सेज दैट द करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. मंडेला कहते हैं कि साहस का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो, डर की अनुपस्थिति हो, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस डर पर जीत ही असली साहस है. ब्रेव इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट बल्कि वो है who overcomes it, जो उस पर विजय प्राप्त करता है या उससे उबर जाता है. On this note, और इसी बात के चलते, मंडेला remembers his comrades. मंडेला अपने संघर्ष के साथियों को याद करते हैं, who sacrificed their lives, जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, बलिदान दे दिया अपने जीवन का, for the freedoms of the black. फ्रीडम ऑफ द ब्लैक यानी अपने ही जैसे अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए उन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया. उनको वो सल्यूट करते हैं. वो कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ, आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ. मुझे दुख इस बात का है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कह सकता. मुझे दुख इस बात का है कि वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उनके द्वारा किए हुए सेक्रीफाइसेस के रिजल्ट को देखने के लिए. इसे वो कहते हैं that dear likes can never be found again, कि उनके जैसे लोग दुनिया में कभी भी मिल नहीं सकते. अब the heights of oppression, यानी जो शोषण था, अत्याचार था, उसकी सीमाएं क्या थी. मंडेला कहते हैं कि that oppression has an unintended effect, यानी जो आपका अत्याचार है उसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होता है. दैट इट क्रिएट्स द पेट्रियट, क्योंकि एक देशभक्त का निर्माण करता है. जी कैसे निर्माण करता है, आप खुद सोचिए. भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के, वो फ्रीडम फाइटर्स बने क्यों. उनको एक रीजन नहीं था बनने का. जब उन्होंने देखा कि अपने ही लोगों के ऊपर, उनके अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनको एक रीजन मिला. उस रीजन के चलते वो क्या बन गए, एक फ्रीडम फाइटर बन गए, है कि नहीं. दैट इज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन. अत्याचार का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ये भी है. ये वो लोग हैं हु इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, जो कि अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड. इस पॉइंट में नेल्सन मंडेला ये बताना चाहते हैं कि शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला, इन दोनों को ही स्वतंत्रता की जरूरत है. शोषण सहने वाले को शोषण से स्वतंत्र होना है, जबकि शोषण करने वाले को, अत्याचार करने वाले व्यक्ति को, अपनी सोच से, उस नैरो माइंडेडनेस से स्वतंत्र होना है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैनस फ्रीडम, एक इंसान जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ
प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का बंदी होता है, वो घृणा की सोच की दीवारों के पीछे कैद होता है, तो उसको उससे भी स्वतंत्र होने की जरूरत है। तो इस तरह से हमें पता चलता है दोस्तों, नेल्सन मंडेला के विचार शोषण करने वाले के लिए और शोषण सहने वाले के लिए दोनों के लिए एक जैसे थे। इसीलिए वो आगे कहते हैं कि बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, इन दोनों ही लोगों की मानवता छिन चुकी होती है, दोनों ही जो शोषण कर रहा है या शोषण सह रहा है दोनों की मानवता छिन चुकी होती है। तो ऐसे केस में हमको ये ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला के विचार दोनों के लिए एक ही जैसे थे। तो ये था दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट सीबीएसई क्लास 10। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ टिल टर्म 1 एंड टर्म 2। आई विल बी विथ यू फॉर 100% मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।